हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक क्वेश्चन, सपोज, इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे, ये सपोज वाली। द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। ये सपोज करने का के लिए का, हम जानते हैं जैसे प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस का ई होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का ही होता है। लेकिन ये कह रहा है कि सपोज कर लो, इमेजिन कर लो कि जो प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसमें स्लाइटली डिफरेंस है, एक का माइनस के ई है तो दूसरे का ई प्लस डेल्टा ई है। ऐसा एज्यूम करने की कहा, ठीक है, तो ऐसा सपोज करने की कहा हमसे, सपोज इमेजिन करने की कहा कि चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, आ प्रोटॉन कह दो, ये प्लस के ई प्लस डेल्टा ई ऐसे कहा। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन माइनस का, ऐसा ऐसा एज्यूम करने की कहा उसने, सपोज करने की कहा है, ठीक है। फिर क्या करा आगे, इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन एटम पर आ जाओ, दो हाइड्रोजन एटम लेने हैं तो कोई हाइड्रोजन एटम जब लेते हैं तो उसके हाइड्रोजन एटम का सिंबल 1H1 होता है। तो इसमें न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है बस केवल, और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इसको पूरे को एक एटम बोल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम। अगर हम रियलिटी में देखें तो एक प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होता है, तो टोटल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पूरा का पूरा एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट यहां पर कहा है कि वन प्रोटॉन पर चार्ज इतना मानो और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना मानो, इसीलिए एटम अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा, सपोज कर ले तो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चार्ज ऑन वन हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम। अब एटम पे तो चार्ज 0 होता है सर, नेट नेट चार्ज ऑन नहीं लेना, नेट चार्ज ऑन वन हाइड्रोजन एटम 0 नहीं भाई, वैसे तो 0 होता है लेकिन यहां सपोज करने की बात कही उसने, ये प्रोटॉन पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज में डिफरेंस मान लिया डेल्टा ई का। अब इसमें नेट चार्ज ऑन प्रोटॉन लिखें, हाइड्रोजन एटम लिखें, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अगर, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं है इसमें, वैसे न्यूट्रॉन पर चार्ज होता भी नहीं है, तो एक ही तो प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, ई प्लस डेल्टा ई प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, माइनस ई, तो इसे कैंसिल हो गया। तो अब कितना चार्ज है एक हाइड्रोजन एटम पर, नेट डेल्टा ई, ई चार्ज है। अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम, अब इस पे चार्ज है बेटा, डेल्टा ई इस पे चार्ज है और डेल्टा ई इस पे भी चार्ज है, और इनके मास भी दे रखे हैं हमें, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एम एच इज इक्वल टू इतना, हाइड्रोजन एटम का मास है एम एच, इसका भी मास है एम एच। तो देखो इन दोनों हाइड्रोजन एटम पर अगर चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव सेम, तो रिपल्सन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, और दोनों मास भी है तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों का नेट फोर्स जो दे रखा है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी, तो ये जो डी सेप्शन डी प्लेस्ड है बेटा, ये है ना, अपार्ट इज 0, क्या 0 दे रखा है, ये नेट फोर्स दे रखा है, नेट फोर्स 0, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों का जो नेट फोर्स है हाइड्रोजन एटम पर वो 0 है। सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तभी जो नेट फोर्स 0 होगा, और कैंसिल करने के लिए इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, दर्शन अपोजिट है तो तभी जो नेट 0 होगा, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल कर लिया। तो एफ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, तो ये कितना हो गया भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई, तो डेल्टा ई का होल स्क्वायर अपॉन सेपरेशन कितनी, शॉर्ट एक्सेप्शन डी स्क्वायर, ये कूलाम्स लॉ लगा लिया है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएं तो जी दोनों मास का मल्टीप्लाई, तो एम एच दोनों ही हाइड्रोजन एटम है तो एम एच का स्क्वायर हो जाएगा ओवर शॉर्ट एक्सेप्शन, इसकी भी डी है तो डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। पूछा क्या है वो देख लेते हैं। कह रहा देन डेल्टा ई ऑफ द ऑर्डर एच, डेल्टा ई की वैल्यू पूछ रहा है कि डेल्टा ई कितने ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो इसमें इसकी वैल्यू तो कितनी, 9 × 10 की पावर 9, और डेल्टा ई का स्क्वायर हमसे डेल्टा ई पूछा है, जी की वैल्यू 6.67 × 10 की पावर -11, और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें दे रखा है ये रहा, तो 1.67 × 10 की पावर -27। अब डेल्टा ई निकाले यहां से तो रूड के अंदर आएगा बेटा 6.67 × 10 की 1.67 / 9, ये दोनों एक साथ लिख लिए, और इन दोनों को एक साथ लिखूं तो 10 की पावर -11 - 27 / 10 की पावर 9 यहाँ आएगा, पहले तो इसके ये यहाँ आ जाएगा, लेकिन ऊपर ले जाऊं तो -9। अब इन तीनों को ऐड कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या आएगा। इसको सॉल्व करके डेल्टा ई इज इक्वल टू, देखो इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करके रूट लेके ये वैल्यू आ रही है 1.437, और देखो ये हो जाएगा 11 और 9 20 और ये 27, तो 47, गलती कर दी क्या, एक सेकेंड, इसका होल स्क्वायर है यार, इसका होल स्क्वायर है ना, तो 1 और 1.67 आएगा यहाँ × 1.67, और 27 एक और आएगा ऐसे, होल स्क्वायर है ना भाई इसका, एम एच का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो गया, और 20 ये हो गया, और आपका ये हो गया कितना टोटल मिला के, नहीं एक सेकेंड, तो देखो ये इसको सॉल्व करने के बाद, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, रूट लेने के बाद ये आ गया, और इस ये आता है 10 की पावर -74, और इसे और आगे सॉल्व करें तो 1.37 × 10 की पावर -37, इसका रूट ले लें 10 की पावर -37, आधा कर लो 74 को। ठीक है, ये अब देखो ये वाली वैल्यू का ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर लिखना है बेटा, तो ये वाली वैल्यू 5 से कम है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए लिखें तो क्या लिखें, 10 की पावर -37 गुलाम, इतनी वैल्यू हो गई आपकी डेल्टा ई, तो 37 सी इज करेक्ट चॉइस, 10 की पावर -37। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप एक काम करना बस इसमें, अगर आप अप्रोक्सीमेट आंसर देखना चाह रहे हो तो इसको सॉल्व मत करना, इसको सॉल्व करने से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, केवल इसको सॉल्व करो, और ये 10 की पावर -37 74 आ रहा है, और इसका रूट लेके नहीं, 10 पावर -37। अब जब ये बाहर आ जाएगा तो देखो, अगर ये 5 से बड़ा भी होता तो एक प्लस ऐड होता, लेकिन यहाँ पे प्लस ऐड करके नहीं, कोई चॉइस है ही नहीं है ना, ऑर्डर लिखते हैं तो भाई या तो एक प्लस हो जाता है या कोई चेंज नहीं आता, तो उसके आसपास कोई वैल्यू ही नहीं है बेटा, केवल 10 पावर 37 ही है, तो ये 10 पावर 37 ही सही है ना, तो अप्रोक्सीमेट आप इसको इस तरह से सोच सकते हो। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू।